देशर प्रथम पर्याय निर्वाचन पर चली भोटिंग दिन गोटाए सुधा 40% मतदान हो सारी। अरुणाचल प्रदेश में 37%, सिक्किम 36%, मिजोराम 37%, तमिलनाडु 39%, यूपी 37% मतदान हो। प्रथम पर्याय 17 राज्य और 4 केन्द्रशासित अंचल मोट 102 सीट पर भोटिंग। तमिलनाडु समस्त 39 सीट, राजस्थान 12, उत्तर प्रदेश 8, मध्यप्रदेश 6, आसाम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड 5 लिखाएं सीट में भोटिंग हो। 102 आसन में मोट 1625 जन प्रार्थी निजर भाग्य परीक्षा कर। आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान है। मेरा आप सब से विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके इस महाउत्सव में, इस चुनाव के उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आप सब लोग चुनाव में मतदान के लिए अवश्य भाग लें। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है और हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस बात को मजबूती प्रदान करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र भी है लेकिन सबसे युवा आबादी वाला देश भी है। 18 वर्ष से ज़्यादा के युवाओं से मैं इतना ही कहूँगा, आइए बड़ी तादाद में और वोट कीजिए। चुनिए एक मजबूत सरकार जो जैसे देश आगे बढ़ रहा और आगे बढ़े और हमारा देश इसी तरह से विकसित भारत भी बने। क्योंकि आप 18 साल से ज़्यादा वालों को ये भी कहूँगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपके वोट का बहुत महत्व है, तो पहला वोट देश के लिए, आइए बड़ी संख्या में देश के लिए वोट कीजिए और बना दीजिए विकसित भारत को। अभी जो मैं ट्रेंड्स देख रहा हूँ, लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकल रहे हैं और यही अपेक्षा है क्योंकि लोकतंत्र का महोत्सव है और इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोग बड़े पैमाने पर वोटिंग करेंगे। मैं अपील करता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर वोट करिए। दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, जननायक तेन मिक पेरिय तिरुविड़ा। आई एम इमेंसली हैप्पी एंड प्राउड टू हैव पार्टिसिपेटेड इन इट। दिस मार्क इज द मोस्ट ब्यूटिफुल इंसिग्निया ऑफ ए सिटीजन and I would urge everyone, all citizens, especially the first time voters, to take part in this festival with full enthusiasm, full zest. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।